काली चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुस्सा हमें क्यों आता है? काली चौदस के ही दिन हम इस बारे में बात करेंगे आज पूरा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। क्रोध या गुस्सा किसी चीज़ के नापसंद करने पर स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों में क्रोध और गुस्सा की भावना का कारण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि क्रोध केवल भावनाओं या शक्ति का या शारीरिक प्रदर्शन नहीं है, इसके कई और रूप भी हो सकते हैं। लोग अपनी आक्रामकता को अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, और इसके अब हम जानेंगे कि बार बार जो हमें गुस्सा आता है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी बताते हैं, गुस्से को शांत करने के सबसे आसान तरीका है लंबी और गहरी सांस लेना। जबकि आपको पूरा गुस्सा आए तो लंबी सांस लें, इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। शारीरिक गतिविधियाँ या व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिसे क्रोध का मुख्य कारण माना जाता है। अगर आपको लगता है गुस्सा बढ़ रहा है तो तेज़ी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से ध्यान दूसरी तरफ चीज़ों पर चला जाता है और इससे भी गुस्से को कम किया जा सकता है। योग या मेडिटेशन को गुस्से कम करने के स्थायी समाधान के रूप में माना जाता है। हालांकि यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, तो आप मनोचिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं। और इसके बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ बीमारियों में भी ये गुस्से एक लक्षण के रूप में होते हैं। तो ऐसा हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें और पूछें कि ये गुस्सा क्यों होता है, और हो सके तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए नेचर के बीच में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, और आपके काम का जो स्ट्रेस का लेवल है उसे भी आप कोशिश करें कि कम कम कर सकें। ये सब करने के तरीके सब ठीक